मेरी वीडियो डायरेक्ट पाने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक करें और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल में। और पिछले वीडियो में आपने सनी की साढ़े साथी के बारे में शायद पूरी डिटेल अच्छे से समझ ली हो, फिर भी जो आपके सवाल रहे उसके लिए आपने कमेंट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे वादा किया था कि इसका अगला पार्ट यानी जो सनी की साढ़े साथी वाला हिस्सा है उसको एक बार और आपके सामने में थोड़ा वृहद रूप से, यानी जो बचा हुआ पार्ट है जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में उस हेडिंग को मैं उस टॉपिक को पूरा क्लियर कर दूंगा ताकि ये पार्ट हमको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो क्या है आज का टॉपिक, देखिए शनि की ढैया चैप्टर 132। दोस्तों क्या ये ढैया है और क्या ये है, तो आपने पिछला जो वीडियो देखा था उसमें साढ़े साथी समझ ली थी, अब हम उसके आगे की आज बात करने वाले हैं। तो जैसे पिछली बार समझा था वैसे ही इस बार पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि आपके मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब आपको धीरे धीरे मिलता चला जाए। तो सबसे पहले नंबर पे जानते हैं क्या अर्थ है इसका। ढाई वर्ष या फिर छोटी पनौती। छोटी पनौती के नाम से आप समझते ही हैं, पनौती मतलब मुश्किल भरा समय। तो दोस्तों ये कितना मुश्किल भरा है, कितना फायदेमंद है, ये सब बातें आपको बिल्कुल यहां अभी पता चलने वाली है। एक एक चीज को हम यहां कवर करते जाएंगे। एक कुंडली का डायग्राम हम सबसे पहले बना लेते हैं। तो ये कुंडली का डायग्राम आपके सामने, इससे भी हम बिल्कुल अच्छी तरह से जान सकते हैं। साढ़े साथी आपने पिछली बार पता कर ही ली थी और अब ये ढैया जो है, छोटी पनौती जो है, ये कैसे कंसिडर की जाएगी। इसके लिए हम मान लेते हैं अगर नवे नंबर की कुंडली हो और शनिदेव जैसा कि अभी गोचर में यहां चल रहे हैं, और देखिए इनका जो ढाई साल का पीरियड है, ये आप जितना भी ज्योतिष सीख रहे हैं, जो भी इस चैप्टर को भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्योतिष में उनको इंटरेस्ट है। तो उन्हें ये जरूर मालूम होगा कि शनि कब कहां चल रहे हैं, क्योंकि ये ढाई साल का पीरियड है, छोटा वक्त नहीं है, इसलिए बड़ा लंबा जो है तो ये चीजें याद रह जाती है। अगर आपको नहीं याद रहता हो तो आप गोचर देख सकते हैं, उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह कहां चल रहे हैं। तो अभी शनिदेव इसमें चल रहे हैं और जनवरी 2020 की जनवरी में, यानी जनवरी 2020 में ये दसवीं राशि में मूव करेंगे, तब तक ये इसी में रहेंगे। तो इसके अनुसार हम उन सारी बातें यहां पर बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो दूसरा हमारा पॉइंट है कैसे आकलन करें। तो ये एक नियम है 4-8 का संबंध। अभी 4-8 का संबंध क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। कुंडली में आपकी जन्म लग्न कुंडली जो आपके जन्म के साथ ही बन गई है, उस कुंडली में जहां चंद्रमा हो, यानी जहां चंद्रमा हो तो वही आपकी राशि होगी। एक नंबर में होगा तो मेष, दो में होगा तो वृषभ, इसी तरह से 12 नंबर तक होगा तो मीन राशि। उससे शनि जब जब भी गोचर में चौथे और आठवें घर में बैठेंगे, ये शनि की ढैया छोटी पनौती आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। कैसे जरा समझते हैं। उससे पहले ये जान लें कि अभी ये शनि की ढैया किस पर है। तो दोस्तों ये है अभी दूसरी राशि वृषभ और छठी राशि कन्या। जो भी लोग इस राशि के हैं उन्हें सबको शायद ये पता हो, या अगर ना पता हो तो आज ये जानकारी आपके लिए बेहद काम की है कि अभी उनके लिए शनि की ढैया चल रही है इन दो राशियों पे। अब इस नियम को हम एक बार कैलकुलेशन में यहां ले आते हैं। इसको कैसे कंसिडर किया जाएगा, तो आप ऐसे देख सकते हैं अगर शनि यहां पर है नवी राशि में, तो नवे नंबर की हमने कुंडली बनाई है, और अगर चंद्रमा किसी के दो नंबर में है तो चंद्रमा की स्थिति अगर यहां हो, इसको आप कैसे भी बदल सकते हैं, ये कुंडली से कोई लेना देना इसका नहीं होगा, सिर्फ समझाने के लिए पॉइंट यहां पर किया गया है। क्योंकि चंद्रमा किसी भी घर में हो, 12 घरों में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये देखना है कि जो लोग दो नंबर की राशि के हैं यानी वृषभ राशि के हैं, तो उनसे आप गिनेंगे तो चौथे और आठवें घर का संबंध आप देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये आपका नियम यहां पर फुलफिल हो गया। दूसरा आप इसको इससे देखेंगे 1, 2, 3, 4, तो ये जब जब इस प्रकार की स्थिति होगी तब तब शनि की ढैया उसके लिए एप्लीकेबल होगी। अभी पूरा चार्ट देखेंगे अपन कि कब किस राशि में शनि होने पर ये चीज किस किस को ढैया वाली
पोजीशन एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ये एक फिक्स कैलकुलेशन है, ये कभी नहीं बदलती। जब भी शनि जिस भी राशि में जाएंगे तो कोई ना कोई दो राशियां एक्टिव हो जाएगी ढैया के लिए। वो चार्ट किस तरह से है या वो फिक्स कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं देखिए। इसके लिए हमको 12 पॉइंट देखने होंगे, क्योंकि 12 हमारी राशियां हैं, तो कौन कौन सी हैं देख लीजिए। शनि हो यदि मेष में, मेष से लेकर के वो मीन तक, तो ये 12 की 12 राशियां और शनि अब एक एक में मूव करेंगे तो किस तरह से हो सकता है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन हम निकालते हैं इसके अंदर कि यदि शनि अगर मेष में हो तो आप यहां देख सकते हैं, अगर ये मेष में यहां पर होंगे तो इससे चार घर पीछे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 1 2 3 4। तो यहां रिजल्ट आ गया 10 नंबर। और ऐसे ही 8 घर पीछे, यानी हमने अगर कनेक्शन बनाया है शनि से 8वां, तो शनि को अगर मैं यहां विराजमान कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी चंद्रमा जब छठी राशि में है और शनि यहां पर है तो इससे ये चीज कैलकुलेशन में आ गई, यानी 10 और 6। अगर शनि मेष में हो तो मकर और कन्या राशि पर ये एप्लीकेबल होगा। अब कुछ नहीं करना है, ये एक कैलकुलेशन हमारे सामने आ गई। तो अब आप देखिए, अभी शनि जो है वो धनु में चल रहे हैं, तो यहां तक आते आते कौन सी कैलकुलेशन आती है और यहां जो हमने चार्ट बनाया है उससे ये कितना एप्लीकेबल हो जाता है देखिएगा। ये एक राशि बढ़ेंगे तो इन सब में एक एक राशियां बढ़ती चली जाएगी, यहां हो जाएगी 10 की जगह 11 और यहां हो जाएगी 6 की जगह 7। आ जाएगी वापस मिथुन में होंगे तो यहां 12 और यहां हो जाएगी 8। कर्क में आप देखेंगे तो 12 के बाद में एक नंबर आ गया और यहां हो जाएंगे 9। सिंह में आप देखेंगे तो 2 और 10, 3 और ये 11, 4 और ये 12, 5 और ये 1, और अभी चल रहे हैं धनु में तो 6 और 2। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये हमारा फॉर्मूला एकदम सही जा रहा है। फॉर्मूला है यही है, एक एक राशि शनिदेव बढ़ते जाएंगे, एक एक राशियों पे ढैया उतरती जाएगी, अगले पे चढ़ती जाएगी। आगे देख लेते हैं, 7 और यहां 3 और यहां 8 यहां 4 और यहां 9 और यहां 5। तो दोस्तों ये क्रम रहेगा जब भी शनिदेव मूव करेंगे। तो अभी फिलहाल कर रहे हैं मूव इस वाली पोजिशन में, तो आप देख चुके होंगे कि अपना रिजल्ट जो आया है यहां पर वही आया है जो इसके अंदर से आया है। तो दोस्तों ये थी एक कैलकुलेशन कि शनि की ढैया किस पे चलेगी। अब बाकी की कुछ जानकारियां, असर की बात करते हैं तो कैसे असर इनके हमारे जीवन पर रहेंगे, फायदेमंद या नुकसानदायक, दोनों ही रह सकते हैं, 50-50, 75-25, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी प्रकार का रह सकता है। वही फर्क पड़ जाता है कुंडली में किस प्रकार की स्थिति शनिदेव की है, कमजोर है, पावर में है, उच्च के हैं, नीच हो गए हैं, या बहुत सारी चीजें इनको देखने के बाद ही इनके असर के ऊपर कैलकुलेशन आएगी। इसलिए अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए या कहीं सर्च करते हुए दिख जाए कि फला राशि में शनिदेव आ गए हैं, फला फला को ये फायदा, उनको ऐसा फायदा, उनको ऐसा घाटा, उनको ये, तो दोस्तों ये एक बहुत जनरल कैलकुलेशन है और जन्म लगन कुंडली हर इंसान की अलग है, इसलिए हर इंसान को निश्चित तौर पर उसके असर भी अलग ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रभाव क्या क्या इनके जीवन हमारे जीवन पर होंगे जब ये ढैया में होंगे। साढ़े साथी के तो आप प्रभाव जान ही चुके हैं, इसके भी प्रभाव कहीं ना कहीं वैसे ही हैं। देख लेते हैं विशेष रूप से कौन से प्रभाव होंगे। प्रभाव में देखिए, मन विचलित होना, जॉब से बिजनेस में आना, बिजनेस से जॉब में आना, गलत इन्वेस्टमेंट कर देना, धन हानि हो जाना, डिप्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, किसी पे विश्वास नहीं करना या फिर किसी पे इतना अंधा विश्वास करना कि अपना सब कुछ लुटवा देना। तो दोस्तों ये इस प्रकार के प्रभाव और बल्कि इससे भी और ज्यादा कहीं जिनमें फैमिली का प्रॉब्लम हो सकता है, बिजनेस या घर दुकान मकान या आस पड़ोस किसी भी प्रकार की दोस्ती यारी रिश्तेदारी में सब जगह परेशानियां हो सकती है, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे मन पर से डालते हैं। और मन मतलब चंद्रमा, चंद्रमा गड़बड़ हुआ तो पूरी जिंदगी में हमेशा गड़बड़ियां ही चलती है, यही सबसे बड़ी चीज इस दशा के अंदर या इस ढैया के अंदर देखने वाली बात होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ढैया के साथ में आपको यहां जानना जरूरी है, यदि नाम राशि के अनुसार नहीं रखा गया है तो निश्चित मान के चलिए बोलते नाम पर भी 25-50% ढैया का असर जरूर जरूर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, उपाय के अंदर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज नोट करने लायक होगी और इन्हीं को करने से कई सारी समस्याओं का निदान एक साथ हमें मिल सकता है।
चैप्टर 131 बन चुका है, यानी शनि की साढ़े साथी के जो उपाय हैं वही इसके अंदर आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। हनुमान जी शिव जी की शरण में जाएं और विशेष रूप से शनि देव का उपाय रात्रि में करें, जो कि चैप्टर 131 में मैंने बताए हैं, और उनमें भी मैंने चैप्टर्स बताए हैं जो कि विशेष रूप से आपके लिए प्रभावी होंगे, जिनके अंदर विशेष रूप से 82, 83, 62, 63 और ये इससे संबंधित जो भी कंडीशन वाइज है योग कारक है हमारे या ग्रह मारक है उस अनुसार हमको इनके उपाय करने हैं। अब जाते जाते लास्ट में एक बात और आप लोगों के लिए विशेष, किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव अपने जीवन में ना करें, यह मैंने आपको विशेष बताया। जॉब टू बिजनेस, बिजनेस टू जॉब, इस तरह के बहुत ख्याल आएंगे, बिल्कुल नकार देना है। और जब आप शिव जी की शरण में होंगे तो ये सारी समस्याएं आप उन्हें सौंप दीजिए, वो आपका मन विचलित नहीं होने देंगे। कोई इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए फ्रेंड, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी अजनबी या किसी भी प्रकार का कोई इंसान आपसे कहे तो बिल्कुल हाथ जोड़ करके नमन करके विदा कर दीजिए, यह समय नहीं है। रिस्क का कोई काम ना करें, किसी प्रकार के कोई लालच में ना आए, वरना मन भटका समझ लिए पूरी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। और यही करवाने आते हैं शनिदेव, बहुत आपको लालच आएंगे, बहुत ऐसे प्रलोभन आएंगे कि मतलब आपको दिखने लगेगा कि मैं जो कर रहा हूं तो सबसे गलत काम है और जो सामने वाला कर रहा उसी में सबसे ज्यादा फायदा है। तो यहां ये चीज बिल्कुल आपको अपने मन से निकाल देनी है, जो कर रहे हैं उसी में बने रहिए, कुछ भी चेंज करने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। हालांकि आपको बिजनेस या रिस्क या जो कुछ लेनी है तो जो प्रेजेंट काम आप कर रहे हैं उसी में ठीक ठाक या थोड़े स्तर पर कर सकते हैं, क्योंकि जो रेगुलर आपको काम करना उसे तो करना ही है, लेकिन नया कुछ भी करने की सोचेंगे कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। इसलिए जब तक कुंडली में शनि या चंद्र की स्थितियों की जानकारी ना हो जाए कोई गलत फैसला ना लें। बार बार मन में ख्याल आएंगे कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, लेकिन ये वक्त है ठहरने का, सोचने का, समझने का, अपने बारे में जानने का और अपनी कुंडली को पूरी तरह से एनालिसिस करने के बाद ही किसी ठोस निर्णय पर जाने का। अन्यथा गलती, कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी का हमारा सिस्टम बिगाड़ सकती है। क्योंकि कई बार हम जिसे मानते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारी पूंजी है, यदि वो चली गई तो फिर मान के चलिए शायद वापस कुछ नहीं आना है, क्योंकि उसे कमाने में हमें इतना समय लग जाता है और जो चीज हमारी गई है उसको हम भूल नहीं पाते, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा दिक्कत वाला होता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज धैया के बारे में, कैसी लगती है जरूर कमेंट कीजिएगा, कोई सवाल हो जरूर पूछिएगा, इससे संबंधित जो भी कमेंट बॉक्स में होगा इसमें आपको और सहयोग दिया जाएगा और जानकारी बताई जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।